दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकलो शशांक। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉन स्किपेबल और स्किपेबल ऐड के बारे में, जानने के बारे में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये क्या है नॉन स्किपेबल ऐड, जो कि अभी नया नया कॉन्सेप्ट यूट्यूब में निकला है और कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन है। तो आइए हम देखते हैं और शुरू करते हैं और जानते हैं कि नॉन स्किपेबल ऐड क्या है और इसको इनेबल करने से आपके चैनल को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, नॉन स्किपेबल ऐड जो होती हैं, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपका वीडियो चल रहा होता है तो वीडियो के नीचे साइड में इस जगह पे स्किप का ऑप्शन आता है, तो आप उसे स्किप कर देते हैं। स्किप मतलब उसको वहां से खत्म कर देना, उस ऐड को। तो ऐड को खत्म करने के लिए आपको करना ये होता है कि स्किप को क्लिक कर देना होता है, और स्किप अगर आपका ऑप्शन नहीं आता है करने के लिए तो वो होता है नॉन स्किपेबल एड्स। और इनको जो है इनेबल अगर आप कर देते हैं तो इससे जो है आपको प्रॉफिट ये होगा कि जब भी आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे या आप लाइव जाते हैं यूट्यूब के अंदर में और लोग आपको लाइव देखते हैं, उस समय जो है आपकी ये ऐड जो अच्छा खासा रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे सकती है। लेकिन बशर्ते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल्स के साथ ये कन्फ्यूज़न हुआ था और उन लोगों में अभी एक बहुत ही गलत भ्रांति पाल ली गई है कि नॉन स्किपेबल ऐड अगर आप इनेबल कर लेते हो तो स्किपेबल एड्स आपके में नहीं आती हैं, मतलब चलती ही नहीं है, ऐड आना एकदम बंद हो गई हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके में एड्स जो हैं स्किपेबल एड्स भी आती रहेंगी। नॉन स्किपेबल आपने जो है एक अपने में कर दिया है इनेबल, इसका मतलब ये नहीं कि स्किपेबल एड्स नहीं आएंगी, क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट नया है और यूट्यूब ने इसको नया नया लॉन्च किया है, तो अब इसको जो कंप्लीट बनाने में करने में इसको थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉपर आपकी दोनों चीज़ों को ये अलाउ कर देगा, आपकी जो वीडियोज़ हैं उनमें दोनों टाइप की एड्स चलना शुरू हो जाएंगी। अब फायदेमंद क्या होगा, नॉन स्किपेबल ऐड को डालना फायदेमंद होगा या स्किपेबल ऐड को ही रहने दिया जाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नॉन स्किपेबल एड्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ऐसे बहुत से कम एडवर्टाइजर होते हैं जो नॉन स्किपेबल एड्स को जो देते हैं, लेकिन इसमें जो पैसा देते हैं वो ज़्यादा देते हैं। वहीं बात करें अगर हम स्किपेबल ऐड की, तो स्किपेबल ऐड में जो है पैसा कम देता है एडवर्टाइजर यूट्यूब को, लेकिन वो जो है देने वाले बहुत सारी क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है। तो स्किपेबल ऐड जो देते हैं, जो लोग यूट्यूब को रेवेन्यू देते हैं, उनमें जो उनकी तादाद एडवर्टाइजर्स की ज़्यादा है। तो हम अगर स्किपेबल एड्स के बारे में बात करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगी नॉन स्किपेबल एड्स से। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। मैंने आपको बता दिया, एक को स्किप किया जा सकता है और एक स्ट्रीमिंग के समय जो है आपकी नॉन स्किपेबल एड्स नॉन स्किपेबल एड्स ही आती हैं, और स्किपेबल ऐड जो है आपकी वीडियो के शुरू में आती हैं, जो कि लोग जब आपके वीडियो सर्च करते हैं और वीडियो सर्च करने के बाद जब वीडियो कोई प्ले करता है या आपकी चैनल से जाके कोई वीडियो प्ले करता है तो वहाँ पर ये एड्स चालू हो जाती हैं। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो है स्किप कर देने में आपको कम रेवेन्यू मिलता है, वही अगर वो थोड़ा ज़्यादा उसको देखता है ऐड को तो वो रेवेन्यू आपको उसका ज़्यादा मिलता है। अभी बीच में ये जो है कि बहुत यूट्यूब में थोड़ा सा मैं अभी भूचाल देखा, मैंने लड़ाइयाँ देखी कि भाई ये लोग लड़ रहे हैं कि अगर आपने हमें बता दिया है यूट्यूब में स्किपेबल ऐड अलाउ कर देना, नॉन स्किपेबल ऐड अगर आप अनेबल कर देते हैं तो आपके में ऐड चलना ही बंद हो गई हैं। तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करें, ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि यूट्यूब को पैसा मिल रहा है ऐड से। अगर वो आपके वीडियोज़ में ऐड चलाना ही बंद कर देता है, अगर आपने स्किपेबल एड्स के लिए डाल दिया है और नॉन स्किपेबल आपके में ऐड चलना बंद हो जाती हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा घाटा आपको नहीं यूट्यूब को खुद होगा, क्योंकि उनका पूरा जो है बिज़नेस इसी पर बेस्ड है, एडवर्टाइजिंग पे ही पूरा बिज़नेस बेस्ड है, उसी से इनका पूरा खर्चा, हर मॉडल बिजनेस मॉडल चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप सभी टेंशन ना लें जो भी नए यूट्यूबर्स हैं और जिनके में स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स को इनेबल करने के बाद में दूसरी एड्स नहीं चल रही हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, किसी पे दोष मत लगाइए, किसी को ये मत कहिए कि आपने ऐसा कहा था और हमने ऐसा कर दिया है, और ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी। तो दोस्तों इसी तरह के नए नए अपडेट्स आपको हमारे वीडियो में मिलते रहेंगे, तो बने रहिए टेक विला में। स्टे रॉक।